वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th, सब्जेक्ट SST, पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, सत्ता की साझेदारी है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम कि सत्ता की साझेदारी क्या है। सत्ता की साझेदारी से स्पष्ट है कि जो पावर्स है ना, जो शक्ति है, वे किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर जो शक्ति है वे बटी हुई होनी चाहिए, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो सत्ता है वे विकेंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है। अगर सत्ता बटेगी नहीं और किसी एक व्यक्ति के शासन एक व्यक्ति के हाथ में होगी, तो निश्चित रूप से वे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कह सकते, उसे हम राजतंत्रात्मक शासन कह सकते हैं। इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका का एक वर्णन किया गया है, तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से इसको समझाया गया है। सबसे पहले बताया गया है इसमें बेल्जियम क्यों बताया गया है कि बेल्जियम और श्रीलंका में बताया गया इथेनिक ग्रुप्स बताया गया पहले, तो उसमें जातीय संरचना। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका दो एक देश हैं। अब देखिए जातीय संरचना किस प्रकार से इसमें भिन्न भिन्न है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में हमारे ना हरियाणा राज्य से बहुत छोटा है। इसकी जो सीमाएं है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग में लगती है। इसकी जो आबादी लगभग 1 करोड़ से अधिक है, यानी हरियाणा से बहुत आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से देश में अगर जातीय संरचना देखते हैं कैसी कौन कौन सी जात है, तो देखिए 59% जो फीसदी जो हिस्सा है ना, वे तो फ्लेमिंग इलाके में रहता है और डच बोलते हैं, और 40% जो लोग हैं ना वेलोनियो क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। अब देखिए जो दो रीजन है, क्षेत्र है, जैसे हमारे भारत के अंदर जैसे हम कहेंगे कलकत्ता मुंबई, तो ऐसे ही दो रीजन है बेल्जियम के अंदर, वे क्षेत्र हैं आपके फ्लेमिश, और दूसरा जो क्षेत्र है वह है वेलोनिया। फ्लेमिश और वेलोनिया में अलग अलग यानी कि ये लोग रहते हैं। शेष 1% जो है जर्मन बोलते हैं, और जो राजधानी जो बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स, के 80% लोग है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग क्या है डच बोलते हैं। अब देखिए अगर हम पूरे बेल्जियम को हम अगर देखते हैं, तो जो 59% है 59% जो हिस्सा है वे फ्लेमिश इलाके में रहता है ना, और डच बोलता है। तो यहाँ पर तो डच की संख्या अधिक है, बहुसंख्यक है, लेकिन ब्रसल्स में देखते हैं बेल्जियम की राजधानी में, तो वहाँ पर क्या है 80% जो लोग हैं फ्रेंच बोलने वाले हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषाई लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध है। अब देखिए जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, धनवान हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सभी क्षेत्र से। इस स्थिति को नाराजगी, और जो डच लोग हैं ना वे थोड़े गरीब हैं, इसलिए आपस में वे एक दूसरे के नाराज हैं। इसे चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसल्स में दिखा, या निश्चित रूप से कि दोनों में क्या हुआ, फिर टकराव हुआ, किसमें, डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वालों में। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन दो धन और समृद्ध गरीब थे। डच बोलने वाले लोग संख्या की दृष्टि से अधिक लेकिन गरीब थे, लेकिन आपके जो फ्रेंच बोलने वाले जो भाषा लोग हैं वे संख्या में कम और वैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। आइए दूसरा हम एक जातीय संरचना देखते हैं श्रीलंका की ओर, श्रीलंका तुलना करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, क्यों, क्योंकि चारों तरफ श्रीलंका के पानी है जो हमारे भारत देश के दक्षिण में स्थित है। एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है सिंहलियों का, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। अब देख ले एक समूह कौन सा है, सिंहली, जो 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है,
जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी दो समूह है, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल, श्रीलंकाई मूल के तमिल एक तो कि जो श्रीलंका के ही है ना, जो श्रीलंका के है तो श्रीलंकाई मूल के तमिल है। दूसरे जो कौन से तमिल हैं, जो दूसरे जो तमिल है और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों के संतान हैं। अर्थात दो तरह के वह तमिल हैं, एक तमिल वे हैं जो श्रीलंका देश के मूल निवासी हैं, दूसरे वे हैं जो हमारे भारत देश का जो दक्षिणी जो राज्य है तमिलनाडु वहाँ के कुछ लोग श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए चले गए थे और वहाँ पर ही बस गए, इसलिए कुछ लोग वे हैं भारतीय तमिल है। और मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रांत में आबाद है। अधिकतर सेनली भाषा लोग बौद्ध हैं, जो वहाँ के जो सेनली भाषा है ना उनका जो धर्म है जो क्या है बौद्ध धर्म है, जबकि तमिल भाषाई लोग में कुछ लोग हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है 7%, 7% लोग वहाँ सेनली भी है और वे सेनों की तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो हमारी एक जातीय संरचना है। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषा के लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा लोगों पर अपना इच्छा थोप सकते थे, इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती, संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सेनली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखते हैं कि असल में दोनों देशों में क्या अंतर है। तो इनमें अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले जब हम जातीय संरचना देखी तो जातीय संरचना को एक मानचित्र के माध्यम से आप देखिए, इसमें आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें दिखाया गया है। देखिए ये बेल्जियम का एक मानचित्र है, बेल्जियम के मानचित्र में अलग अलग दो कलर दिए गए। ये जो आपका येलो कलर है ये फ्लेमिश है, यहाँ पर डच भाषाई लोग हैं जो डच भाषा बोले 59% है। जो रेड कलर है वेलोन है, यहाँ पर जो वेलन है यहाँ पर है फ्रेंच भाषा बोलने वाले, और ये इसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, ये ब्रसल्स क्षेत्र है। और 1% जो जर्मनी लोग हैं, ये जर्मनी लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये होगी इसकी जातीय संरचना बेल्जियम के मानचित्र में जो अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था। अभी जो हमने श्रीलंका का जो थ्योरेटिकल पढ़ा था कि श्रीलंका में जैसे 74% वहाँ पर सिन्हाला है, 18% वहाँ पर तमिल है, जिसमें 13% श्रीलंका मूल के तमिल है और 5% इंडियन तमिल है और 7% है क्रिश्चियंस हैं। ये देखिए इसमें, अब ये श्रीलंका का मानचित्र है। इस श्रीलंका मानचित्र में देखिए जो येलो कलर का है ये सिन्हाली लोग हैं जो 74% है, उसके बाद जो रेड कलर है ये श्रीलंकाई तमिल है, कौन से हैं ये रेड कलर वाले श्रीलंकाई तमिल है, और दूसरा है भारतवासी तमिल जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ये जो ब्लैक स्पॉट डार्क, ये भारतीय मूल के तमिल हैं जो तमिलनाडु से जाके श्रीलंका में के बागानों में काम करते हुए वहाँ पर बस गए थे। दूसरे हैं इसमें भारतवासी मुसलमान हैं ना, ये मुसलमान हैं जो ये हल्के स्पॉट्स हैं, ये कौन से मुस्लिम हैं। तो ये इसकी होगी हमारी जातीय संरचना। अब आइए इनको एक एक को समझते हैं। जैसे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या है, अब सबसे पहले हम देखें जो श्रीलंका है उस श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद किस प्रकार से। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, जैसे हमारा भारत देश 1947 में अंग्रेज से स्वतंत्र हुआ था, इसी प्रकार से श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। सैनी समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर दिया। क्यों, श्रीलंका में सैनी जात के लोग अधिक थे, इसलिए उसने प्रभु सत्ता के ऊपर क्या है अपना कब्जा किया। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सैनी समुदाय की प्रभुत्ता कायम रखने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। अर्थात कह सकते हैं कि श्रीलंका को स्वतंत्र कराने में सिन्हाला समुदाय का विशेष योगदान रहा था। 1956 में एक कानून बनाएगा, क्या कानून बनाएगा, जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके, दरकिनार माने इसको नजरअंदाज किया गया, किनको, तमिलों को,
सेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सेली को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई चली गई। संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। अर्थात 1956 में कानून बनाया गया कि श्रीलंका के अंदर केवल सिनेली भाषा को राजभाषा बनाया, उसी को संरक्षण दिया गया। सिनेली लोगों के लिए सरकारी नौकरी, विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों में उनको बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब भी उन्हीं को मिलेगा, और साथ में सिनेली लोगों का धर्म था बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को ही यानी कि मान्यता दी गई। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में तमिल जो लोग हैं वे नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में यानी क्या किया जाता है, असमानता बर्ताव किया जाता है। अब देखिए, अब निश्चित रूप से जब ऐसी स्थिति आती है तो संघर्ष की स्थिति होगी। तो देखिए एक करके आए इन सरकारी फैसलों में श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर इसमें बेगापन बढ़ाया गया। लोगों के लिए बौद्ध धर्मावली सैनियों का नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनको भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें उनके समान राजनीतिक अधिकारों को वंचित कर रही है। नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों को अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सैनी समुदाय के संबंध बिगड़ने चल गए। क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि सैनी लोगों को जो श्रीलंका के अंदर सबसे अधिक जो संख्या में थे उनको सैनी लोगों को तो संरक्षण प्रदान किया गया, उसकी धर्म की रक्षा भी की गई। सिनेली लोगों को जो सरकारी विश्वविद्यालय थे, स्कूल थे, उसमें एडमिशन भी दिया गया, उनके जॉब भी सिक्योर रखे गए, उनकी भाषा को राजभाषा किया। लेकिन जो श्रीलंका में जो तमिल लोग थे उनको सब चीज़ों से दरकिनार रखा गया, दूर रखा गया, इनसे भेदभाव किया गया। न तो सरकारी नौकरियों में इनके लिए आरक्षण था, न किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था थी, न कोई नौकरी की सिक्योरिटी थी, न इनकी जो भाषा था उसको कोई मान्यता दी जाती। एक तरह से इनके साथ में बहुत ही गलत बर्ताव किया। अब आप ही बताइए, जब इस प्रकार से बर्ताव किया जाएगा तो निश्चित रूप से यानी कि ये हमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। और यही हुआ, इस श्रीलंका में सिविल युद्ध हुआ। देखिए क्या होता है उसके बाद में। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना मनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब देखिए कि कहते हैं कि मरता व्यक्ति क्या नहीं करता, सब कुछ करने को तैयार होता है। तो निश्चित ही है कि जब श्रीलंका के अंदर तमिलों को बेचारों को दरकिनार रखा गया, कोई उसको इज्जत नहीं दी गई, उनका कोई नौकरियों में कोई संरक्षण नहीं था, न शिक्षा में था, न आर्थिक स्थिति में था, न सरकार में था, तो क्या करेंगे। अब ये थोड़े सजग हुए और ये कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां बनाने लगे और तमिलों ने कहा कि हमें भी अपना अलग स्टेट चाहिए, हमें अलग स्टेट चाहिए। और तमिलों की राजभाषा बनाने के लिए उसने स्वायत्ता हासिल करने के लिए शिक्षा और रोजगार के समान अवसर की मांग की। अभी तो करना होगा कि जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होगा तो निश्चित रूप से वे व्यक्ति अपने अधिकार मांगेगा कि भाई मुझे अधिकार चाहिए और देना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां संघर्ष होगा। लेकिन तमिलों की जितनी भी आबादी वाले इलाक थे ना जो स्वायत्ता की मांग कर थी, उनको 80 के दशक तक जो ये उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल की मांग करते उनको नकार दे गया। इलम, इलम क्या है, इलम एक तमिल शब्द है, इलम का अर्थ होता है सरकार, इलम क्या अर्थ है सरकार, क्योंकि ये अपनी सरकार बनाने की मांग कर रहे थे। ये कह रहे कि भाई सिनाला की सरकार होगी तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता, ये केवल श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका के जो सिनाला है, सिनाला जो कम्युनिटी है, सिनाला समुदाय है, उन्हीं का उद्धार होगा, तमिलों का नहीं होगा, इसलिए इनने ये कदम उठाए। अब देखो जब बार बार इनको मना किया गया तो फिर क्या हुआ, श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। और आपस में क्या हुआ, टकराव हुआ, टकराव हुआ,
तो टकराव हुआ, क्या हुआ? यह टकराव धीरे धीरे किसमें हुआ? गृह युद्ध में परिणित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारे लोग मारे जा चुके थे। देखो धीरे धीरे जब ये तनाव बढ़ने लगा तो ये तनाव इतना बढ़ गया कि ये गृह युद्ध में बदल गया और जो देश के टुकड़े के स्थिति में आ गया, देश का यानी विकास रुक गया। अनेक परिवार अपने पुरुषों अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। यानी व्यक्ति मरता व्यक्ति क्या नहीं करता, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग क्या है अपने देश श्रीलंका को छोड़कर शरणार्थी हो दूसरे देश जाने लगे, शरण लगे। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट हो गई। अर्थात जो व्यक्ति अपने देश में रहकर रोजी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, अच्छा जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आपसी फूट के कारण उनको अपना रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा और जाना पड़ा। आपने पढ़ाया कि 10वीं कक्षा में अर्थव्यवस्था की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि इस क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा था, पर वहाँ के गृह युद्ध के से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। अगर हम अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ते हैं या इतिहास को हम अगर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि पहले श्रीलंका के अंदर आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक बहुत अच्छी थी, लेकिन इस गृह युद्ध के बाद में श्रीलंका की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत नीचे गिर गई, नीचे पैंदे में आ गई। क्यों हुआ ये ऐसे? ये इसलिए हुआ, अगर सिन्हाला लोग तमिलों को समान अधिकार दे देते, समान उसका प्रभुत्व दे देते, उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान करते, उनको भी गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी देते, तो ये श्रीलंका जो देश में ना सिविल वार, गृह युद्ध नहीं होता, और गृह युद्ध नहीं होता तो निश्चित रूप से श्रीलंका कहीं आगे की ओर बढ़ता। इसलिए श्रीलंका के जो लोगों ने जो किया, जो एक लोकतांत्रिक देश के हित में देखते हुए नहीं किया, जो गलत किया, जिसका परिणाम ही गलत आया, तो ये था सत्ता की साझेदारी श्रीलंका। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे बेल्जियम की समझदारी कि बेल्जियम ने क्या अपना ऐसा समझदारी का काम किया जैसे जो श्रीलंका जैसी कंडीशन नहीं। अब देखिए बेल्जियम की जो समझदारी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि बेल्जियम ने श्रीलंका से बिल्कुल विपरीत काम किया और बिल्कुल सामंजस्य, सबको साथ लेकर चलने वाला किया जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, और इसलिए बेल्जियम एक अच्छी शासन व्यवस्था का एक रूपक के रूप में, एक सिंबल के रूप में उभरा। तो आज के हमने यही पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका का जातीय संरचना, उसने क्या किया, उसमें कौन कौन सी जात है, मानचित्र में पढ़ा उसको और उसको समझा, और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को अध्ययन किया। ये था आज के हमारे वीडियो। फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया हो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।